मिला बाहर में। खबरों में रुक करते हैं, उत्तर प्रदेश गाजीपुर से 42 महीने से मानदेय न मिलने के कारण गाजीपुर SDM ऑफिस में भारत अभ्यर्थियों द्वारा दिया गया ज्ञापन। कसीमा पात के संकल्प क्षेत्र के कुछ साक्षात भारत अभ्यर्थियों के पद पर महिला एवं पुरुष द्वारा 42 महीने से मानदेय न मिलने पर गाजीपुर SDM ऑफिस में किया ज्ञापन। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष विष्णु प्रताप सिंह मौजूद रहे और आदर्श लोक शिक्षा प्रेरक ट्रेनिंग सोसाइटी के उत्तर प्रदेश विजय सिंह प्रसिद्ध संवाददाता हम राम प्रकाश यादव जी जिला अध्यक्ष प्रेरक संघ गाजीपुर जी। हम लोग का यह कल्चर भारत मिशन का यह 40 महीने से बकाया मानदेय अब तक नहीं मिला और यह पद जो है इसको समाप्त कर दिए। हम लोग ये चाह रहे हैं यह रिन्यूअल किया जाए और जो बकाया धन है उसको दिया जाए। अगर यह बकाया नहीं मिलेगा तो हम लोग 14 अक्टूबर को विशाल धरना प्रदर्शन लखनऊ में करने जा रहे हैं। इसके बाद भी जो होगा वो तो सरकार इसके बारे में जानेगी। भारत से हैं और हम लोग की संविदा कम से कम 35 महीने की 40 महीने से बंद कर दी गई है। हम लोग की पेमेंट 2-3 साल से बाकी है और अभी तक सरकार हम लोग के लिए कोई भी बस ऐसे ही कहती है कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। हम लोग इतने परेशान हो गए हैं कि आप बताइए। हम लोग सोचिए आपकी 2-3 साल से जो लोग घर में होंगे वो अपना घर का गुजारा अपने बच्चों का कैसे परवरिश करेंगे। तो हम लोग से परेशान हैं आप लोग जी। हाँ 40 महीने अभी तक सुनवाई नहीं हुई, नहीं बन रहा है, हम लोग परेशान हैं। इसलिए हम लोग कम से कम मानदेय मिल जाए और हम लोगों की संविदा जो बहाली हो जाए, हम यही चाहते हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? 40 माह से वेतन बाकी है और 2018 से संविदा समाप्त कर दी गई है। हम लोग चाहते हैं कि जो बकाया मानदेय है एक मुश्त दे दिया जाए अविलम्ब और जो हम लोगों का ये जो साक्षर भारत मिशन की जो योजना बंद पड़ी है उसको समाप्त कर दिया जाए। प्रधान जी आप बताएं, आप बहुत दिनों से परेशान हैं इसके विषय में। देखिए हम लोग प्रेरक हैं और ये 2011 से योजना चल रही थी, जब से BJP की सरकार आई है ये हम लोगों को बेरोजगार करके रखी। हम लोग बार बार आंदोलन कर रहे हैं लेकिन ये सरकार नहीं सुन रही है। लेकिन हम लोग भी अब बिल्कुल मुस्तैदी हो गए हैं कि अगर हम लोग की जान जाएगी जाएगी ठीक है, लेकिन अब 14 तारीख को आने वाले 14 अक्टूबर को हम लोग विधानसभा का घेरा